शांति 17 अप्रैल 2024 की साकार मुरली है। पापा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको गिराया है। अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने भी कर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना। आसुरी मत पर नहीं चलना। ओम शांति। अभी बच्चे भी है, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, सभी भी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत। तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है, अब बाप तो बाप ही है। फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता न सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ न सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी है कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि ये है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहां थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ, पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। माँ कहती है वह हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बिगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो ये निश्चय चाहिए, बुद्धि में ये निश्चय चाहिए, पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है, हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में ही सब संस्कार है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। वह मनुष्य तो समझते हैं कि इस दुनिया में आना है। तुम ऐसे नहीं समझते हो, क्योंकि हम समझते हैं नई दुनिया में जाना है। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहां सदा अमर रहे। सत्युग त्रेता है अमरपुरी, अकाले मृत्यु ली है ना, इसलिए अमरपुरी कहते हैं। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं, और जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी मनुष्य है, दुनियावी टीचर्स। शिव बाबा तो स्पिरिचुअल फादर, गॉडली फादर है। गॉडली टीचर भी हुआ कहीं? हाँ जी बाबा। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता कहते हो, वह बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने बिगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाए? बाप कहते हैं, तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ। पढ़ाई
नहाने लिए इनमें प्रवेश करता। बरोबर भगवान वाच भी है, जरूर उनको शरीर चाहिए, न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूं। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। वह हमारा बाबा है, हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं है। कोई सी भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है, तो कहेंगे परंपरा से। वो भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना? ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है, उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना? ये तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती तो नहीं मनाते। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसको पता भी नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो, अनेक मनुष्य है जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहां जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमर कथा का भी मिसाल बताया था, वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वही बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अभी तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वह सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। यह है झूठ खंड, वह है सच खंड। सत्युग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है, ये भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं, बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं, जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है, जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे। ये बाप भी ऐसे कहते हैं, नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई, जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे, हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया, फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े, ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बनती थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, जो कुछ पास हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल न जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न
समझे। कल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी। ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5,000 वर्ष के बाद आते हैं, ये भी समझते हो, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं, और कोई सुना न सके, किसकी बुद्धि में बैठ न सके। तुम आत्माओं का वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है, क्या नॉलेज देंगे सृष्टि रूपी झाड़ की। रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था, फिर कहाँ गया? अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं। पक्का निश्चय करते रहो, ये हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं, इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं है। रामानुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। ये तो 5,000 वर्ष की बात है, तुम समझते हो, हर 5,000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आता है। जी बाबा हर 5,000 वर्ष पढ़ाने आते हैं? कहे हाँ जी बाबा। ये नॉलेज और कोई से मिल ना सके, ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है, वह किसको सतो प्रधान बना ना सके, वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तुम भी जानते हो, बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं, और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है वह भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगमयुग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे, खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर और ही विकर्म करा देंगे, फिर कुछ न कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आप ही चमाट मारी है, क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या है, कितना फर्क है। शिव तो है ऊंच ते ऊंच भगवान, शंकर देवता, फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते, पार्टी दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम हैं, राधे कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं। तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया है वह फिर रिपीट होगा, बाकी थोड़े रोज है, बाप बैठ थोड़ी जाएंगे, बाबा तो अभी पढ़ाता है, बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे, रामानुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी, तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है, शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो, सब को विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे, ये बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वह फिर बनेंगे, वह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से।
बाप की पढ़ाई बिगड़ यह मर्तबा मिल न सके। चित्र भी है लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को सुनाते हैं। बाप कहते हैं ये विषय वैतरणी नदी रौरव नर्क है, खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, राहु की दशा है, इसलिए कहते हैं दान दे दान तो छूटे ग्रह। बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूं भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। ये बेहद की बात है, ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं, ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान ग्रहण डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान का घृत भी कहा जाता है। बुझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दिवे को बुझा देंगे। शमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं, पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तो फिर ऐसे ही करेंगे, भले चले गए ऐसे मत समझना, स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही है ना, और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। ये भी जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती, वह तो अव्यक्त चीज है। उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, यह है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फेल होती है। तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं, और कोई सुना ना सके फिर क्या करेंगे? हमको थैंक्स देंगे? बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता हूं, रामानुसार तुमको पढ़ाता हूं। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम पाला होगा, स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है, स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसे ऐसी सर्विस करते रहो, कल पहले भी की थी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सत्प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। आज का मीठा वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सुसहज योगी आत्मा भव। आज का स्वमान, मैं सहयोगी सुसहज योगी आत्मा हूं। मैं सहयोगी सुसहज योगी आत्मा हूं। विश्लेषण, जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहयोगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है। नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेते हैं इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। आज का व्यक्ति इशारा, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला होता है। तो सभी को यह महसूसता आए कि ये तो माला के समान पिरोए हुए मटके हैं। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज रात्रि क्लास 9 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, और प्रातः मुरली क्लास 4:45। ओम शांति, शुभ दिवस।